मतलब बट गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कितना प्यारा है ये। और वैसे हमारे पास है ना एक डॉगी था अपनी शॉप, कितना प्यारा लग रहा है भाई। सभी देना अपनी गर्लफ्रेंड को, मैं नहीं देने वाला। मुझे नहीं पता कोई सब दिख रहा होगा। इसराइली फसल है ये जो ड्रिप पद्धति से की जा रही है। वहाँ तक ईश्वर की जमीन है, वहाँ तक मतलब कि ये सारी चीजें मतलब कि दिल को छू जाने वाली है। गाइस खेती करना आसान नहीं है, फिर भी देखो इतना नुकसान झेलना पड़ता है शुष्क सर्दी की वजह से। ये आप देखिए मतलब कि ये जो सिचुएशन है ना, ये शुष्क सर्दी की वजह से होता है। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी के दुआ प्यार से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और गाइस आप सभी सोच रहे होंगे कि भाई मेरे ब्लॉग जो है ना इतने रुक रुक के क्यों आ रहे हैं। भाई आप सभी को मैं बता देता हूँ, हमारे ब्लॉग एकदम रुक रुक के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी जो वर्कशॉप है वहाँ पे मैं रहता हूँ और इसलिए मेरे को है ना जरा भी टाइम नहीं मिलता एक्टिविटी करने का। बट है ना मैं कोशिश करता हूँ जितनी होती है ना कोशिश उतनी एक्टिविटी करने की, मतलब ब्लॉग शूट करने की। तो बड़ी मुश्किल से आज मुझे टाइम मिला है। और जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा हमारा डंपिंग यार्ड वाला, और गाइस अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस पर भी आपने। आई होप कि इस पर भी आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो आज हम जाने वाले हैं हमारे खेत में, और खेत में क्या क्या बोया है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। और मैं ना पहली बार फार्मिंग करने वाला क्योंकि हमारे घर में है ना ऐसी कोई भी फार्मिंग वगैरह कोई भी नहीं करता। चलते हैं डायरेक्टली वहीं, और ये हमारा रूम है प्यारा सा। तो इस रूम का देख लो आप, इस रूम का थोड़ा वर्क बाकी है गाइस, वरना फिर इसी जगह हम रहने वाले हैं। और यही जो भी हमारा सेटअप वगैरह सब यहीं रहेगा। फिर गाइस हम जहाँ यहाँ है ना, तो आप यहाँ पहुँचाओगे ना तब बनेगा ये सब कुछ। और जी गाइस देखिए ये रही हमारी धनो, और बड़ी चमचमा रही है भाई, एकदम क्लियर की हुई है साफ सफाई से। तो अब हमें इंतजार है एक चीज का कि जल्दी से जल्दी जाए और ब्लॉग शूट करें मोटो ब्लॉग। तो गाइस अब आज हम ऑर्डर करने वाले हैं एक माइक, उसके बाद में हमारा मोटो ब्लॉग सेटअप रेडी होगा। फिर मिलेंगे हम आपको मोटो ब्लॉग में गाइस। तो मिलते हैं हम डायरेक्टली खेत में। यार मैं क्या क्या बोलने लग जाता हूँ। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ हमारे खेत में, और खेत खलियान आपने अभी देखा होगा रास्ते में जो मैंने टाइम लैप स्टार्ट किया था उसके अंदर के कितना कुछ दिखा होगा थोड़ा सा एरिया, क्योंकि मैं इतना सारा शूट नहीं कर पाया था, अकेला था मैं। और ये हमारे जो फूल बगीचे ये देखोगे आप तो गाइस का मजा आ जाएगा आपको। ये देखो भाई, ये देखो वो आ रहा है ईश्वर वहाँ। और गाइस कितना बढ़िया लग रहा है ये सारा कुछ, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया गाइस, दिल गार्डन गार्डन। थोड़ी सी खेती करेंगे, मैं सीखूंगा, ट्राइज टू फर्स्ट टाइम। अभी ये जो है ना ये मशीन है दवाई छिड़कने की, और हम मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। और मुझे नहीं पता, काफ़ी वेट लग रहा है मुझे इस पे, और मैं जानता तो नहीं हूँ वैसे, पर भाई ईश्वर को देखो ये छड़ रहा है, देखो दवाई मतलब कितनी स्पीड से। और आप ये देखो कितनी जोरों से चल रही है, मतलब मैंने तो सोचा, मेरे को तो पता भी नहीं था कि इस टाइप से की जाती है, पर ईश्वर की जो स्पीड देख रहे हो, मतलब कि जो हर रोज काम करता है ना बंदा, उसको तो एक्सपीरियंस होता है इन सारी चीज़ों का। तो कंधा दर्द होने लग गया यहाँ से, तो मैंने छोड़ दी, मैंने कहा अपने बस की विद्या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब कितना बड़ा वाला पेड़ है, ये देखो गाइस इतना बड़ा वाला पेड़, और इसकी छांव देखो, ये ना जाने किसका पेड़ है, मैं नहीं जानता ये, पर कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है ये पेड़। ये देखो आप मतलब कि इतना बड़ा पेड़ तो हमारे आसपास में नहीं। और ये देखिए हमारा कुआं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कितना डीप है भाई, ये देखो गाइस। और इस बार इसमें पानी पानी है बहुत सारा वाला। और कितना गहरा कुआ है आपने देखा होगा। अभी हम चलते हैं हमारे टमाटर की तलाश में, और ताज़ा ताज़ा टमाटर लेकर चलेंगे घर पे आज, तो फिर खाएंगे हम इसकी स्लाइड्स, स्लाइड्स कैसे सलाद को, हाँ स्लाइड्स,
ये देखिए हमारे टमाटर, और टमाटरों की बड़ी बुरी हालत हो चुकी है। वैसे टमाटर ताजा ताजा है, लेकिन ये शुष्क सर्दी की वजह से, ये आप देखिए मतलब कि ये जो सिचुएशन है ना, ये शुष्क सर्दी की वजह से होता है। मतलब कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनती है कि गर्मी की वजह से हो जाता है, ज़्यादा गर्मी पड़ने से, लेकिन है ना ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से भी ये देखो ये सीन हो गया। ये देखो ऐसे मुड़ जाएगा, वरना ये पेड़ ऐसे उठे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कितने सारे पेड़ों की यही हालत हो रखी है। मतलब कि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, सारा ग्रीन ग्रीन है, लेकिन कितने सारे टमाटर हैं ये आप देखिए। टोमेटो, टोमेटो बोलते हैं ना इंग्लिश में। ये देखिए ये फ्रेश टमाटर हमारा, और ये सारे टमाटर हम तोड़ लेते हैं। और ये जो सारे टमाटरों को हम है ना एक बाल्टी में इकट्ठा करने वाले हैं। अब सभी ने देखा होगा कि कितनी प्यारी तरीके से मैंने इतने सारे टमाटर को तोड़ा है, और बड़ी मुश्किलें हुई मुझे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मतलब कौन से वाले टमाटर तोड़ूं, इसलिए मुझे थोड़ी सी देर लग गई, क्योंकि मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा था, मुझे क्या पता कि कैसे टमाटर था। लेकिन फाइनली मुझे हमारा फल मिल चुका है, और ये रियल वाला फल हो चुका है। मतलब ये आप देखिए गाइस, ये मतलब कि भाई साहब ये है मजे वाली चीज़ है। ये फूल पत्ते कितने बढ़िया वाले हैं, ये देखो आप। अरे हाय कितना बढ़िया लग रहा है भाई ये सारी चीजें, मतलब कि दिल को छू जाने वाली है, कितना बढ़िया लगा। और आप सभी में से प्लीज कमेंट करके बताना कि आप में से कौन कौन खेती करता है। हम पहुंचे एक इतनी प्यारी सी जगह पर, मतलब कि हमारे खेत में ही है, पर जो ड्रिप विधि से जो खेती की जाती है ना, बूंद बूंद सिंचाई से, वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये देखो आप, ये गाइस ये हैं वो, ये पाइप है, और ये इनके पास में पौधे हैं, बस यहाँ पर एक इनके नीचे एक छेद होता है, और यहाँ से ये पानी गिरता रहता है। और ये आप देखिए गाइस, वहाँ से लेके और ये यहाँ से वहाँ तक की गाइस, ये सारा कुछ यहाँ पर ऐसा ही है। और सारे टमाटर के पेड़ हैं, इसे ऐसी विधि को यूज़ करना चाहिए, ताकि है ना हमारे पानी की बचत काफ़ी अच्छी हो, और इससे पानी भी ख़राब ना हो, और पानी भी अच्छे से पी ले पेड़ पौधे हमारे। तो कमेंट करके बताना कि ये विधि आपको कैसे लगी आप। और ये रही भाई साहब, ये हमारी है गेहूँ, जो कि देख लो, एक तो जो है ये गिर गया नीचे, और ये रहा हमारा गेहूँ, जो कि और कुछ इस प्रकार से, और जहाँ तक नज़र मारोगे ना वहाँ तक आगे तक, वहाँ तक ईश्वर की ज़मीन है, वहाँ तक मतलब कि ये सारे के अंदर है ना गेहूँ बोया जाता है। बड़ी मेहनत लगती है खेती के अंदर। ये चीज़ देखिए, ये मैंने पहली बार देखी है, मतलब कि ये सभी को आम चीज़ लग रही होगी, बट है ना ये है ना कौन सा भाई, चारा, इजरायली चारा, इजरायली चारा, मतलब इजरायली पर मतलब वो है फसल ये, जो कि ड्रिप पद्धति से की जा रही है। ये देखो मैं तो नहीं जानता इतनी सारी बातें, वो मेरे को ईश्वर बता रहा है इतना सब कुछ। तो ये मतलब ये है ना, और इजरायली क्या बोला, इजरायली फसल है ये, जो ड्रिप पद्धति से की जा रही है। और ये जो छोटा सा टैंक बना रखा है ना, ये इसलिए बना रखा है मतलब दो चार जो खेत होता है ना उनमें अलग अलग पानी जाने के लिए। यहाँ पे देखिए आप, इन दो गड्ढों को बंद कर दोगे, इन पाइप को बंद कर दोगे, तो इस पाइप से जाएगा इस खेत में पानी जाएगा, मतलब ये पाइप जहाँ जाएगा, फिर इसे बंद कर दोगे तो इस वालों में चला जाएगा। ये देखो आप पानी किस पर, और इस पानी में हम पहले पांव रखते हैं, और मुझे तो डर लगता है थोड़ा सा। और ये पानी देखो भाई कितना गजब दिख रहा है, ये देखो मुझे नहीं पता कोई कब दिख रहा होगा, किधर आगे चलते हैं पहले, और मुझे तो देखो मतलब कैसा क्या फील होता है अंदर। तो ये देखो ये पानी है ना इस टाइप से जाएगा अंदर, और यहाँ पर जगह जगह में ये जो है ना आड़, मतलब ये जो कवर करने के लिए ये दीवार बनाई जाती है, ताकि है ना इस वाले के अंदर पानी ना जाए, और इस वाले में फिर इसको हटाकर पानी पिलाया जाता है। मतलब ये देखो गाइस, ये जो है ना, ये जो मतलब फसल नीचे गिरी हुई है ना आगे की ओर, यहाँ ये सारे है ना मतलब बारिश की वजह से, या फिर है ना यहाँ पर नील गाय का आना जाना बहुत मना होता है। ये देखो आप पीछे जो है ना पहाड़ी दिख रही है, तो इस साइड में जंगल का एरिया बहुत बड़ा वाला क्या, तो उस जगह से है ना नील गाय इतनी सारी आती है रात के समय में, तो हाँ फिर भी ये आप देखो गाइस, खेती करना आसान नहीं है, फिर भी देखो इतना नुकसान झेलना पड़ता है, मतलब कि काफ़ी मुसीबत आती है। तो अभी हम आ गए हमारे मूली के खेत में, और ये देखो सारे में है ना मूली बोई हुई है,
मैं ट्राई करता हूँ मूली उखाड़ने की, मतलब कि निकालने की, मतलब मूली को तोड़ना भी, मतलब उखाड़ना भी बड़ी मुश्किल वाली। चलो ये तो आसानी से हो गई, ये वाली और टूट गई हमारी, ये वाली अब इंसान। और जब तक ईश्वर हमारे लिए मूली तोड़ेगा, उतनी देर में मैं आपको दिखाऊंगा एक प्यारी सी चीज। ये देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है भाई। सभी देना अपनी गर्लफ्रेंड को, मैं नहीं देने वाला क्योंकि अपने तो कोई है नहीं जिसे मैं फूल दे सकूं। फैमिली कम्युनिटी को दूंगा, जैसे कि आप हो। देखो हमारा बूरू बूरू कितना प्यारा है ये। और वैसे हमारे पास है ना एक डॉगी था अपनी शॉप पर, क्या रील्स अपलोड कर रखी है मैंने अभी भी, वो बहुत ही प्यारा था, बट ना जाने वो हमारा कहाँ चल गया भूरू। मुझे बहुत ही प्यार था उससे, क्यों वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। और एक ये देखो कितना प्यारा है भाई, ये देखो भूरू। तो लेट्स सिम गाइस, हम आ चुके हैं और खेत की गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई मतलब कि इसे अभी हम खोदेंगे थोड़ा सा हल्का हल्का सा। और ये रहा हमारा पहाड़ा, तो अभी देखते हैं कैसे करते हैं। और मुझे नहीं पता, थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट है ना इस प्रकार से मैं, मुझे नहीं पता इन पेड़ों को है ना ऐसे इन पेड़ों को है ना मतलब कि हटाया जाता है। ये सारे है ना खरपतवार, इस तरह मुझे पता है कि ये सारे है ना खरपतवार होते हैं इतना ही, और ये सारे खरपतवारों को हटाया जाता है मतलब कि। बट गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ कि खेती करना मुश्किल है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि है ना अभी मेरी हालत है ना काफ़ी थक चुका हूँ मैं तो। सो फाइनल गाइस अब जाने की है तैयारी। और यह हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सामान था, हमने इतना काम किया था, वो सारा पैक हो चुका है, मूली टमाटर धनिया सब कुछ। तो गाइस आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और मैंने आपको खेती के बारे में कुछ बताया था। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में।